एस ए वन हम लोग का कम्प्लीट हो चुका है, अब एस ए टू का तैयारी करते हैं जिसमें पी टी थ्री पी टी फोर आएगा। तो आज क्लास टू का है, सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, चैप्टर है टेन, चैप्टर नेम है क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स यानी जिससे हम प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न जो बनाते हैं जो सब जिन शब्दों से उसे हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। जैसे हु, अब यहां पर हु है, हु मीन्स क्या होता है, कौन, हु मीन्स होता है क्या, कौन। अब यहां पर हम प्रश्न बना है इससे तो लिखेंगे हु आर यू, ये क्वेश्चन मार्क, ये जो हुआ क्वेश्चन मार्क, हु आर यू यानी तुम कौन हो या आप कौन है, क्योंकि यू से दोनों ही शब्द हैं, तुम भी और आप भी, इसलिए मान लो क्वेश्चन के लिए आप कौन है वो इंग्लिश में क्वेश्चन बनाइए तो भी हम लिखेंगे हु आर यू, और दे दिया क्या तुम कौन हो इसका इंग्लिश में बनाइए तो भी हम हु आर यू ही लिखेंगे, क्योंकि हु मीन्स क्या हुआ कौन, तो आप यहां पर कौन है, हु आर यू, तो यहां पर प्रश्न किससे बने, हु से। अब हम लोग चलते हैं व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, क्या, तो हम लोग सिंपल से भाषा में जैसे आप लोगों से पूछते हैं क्या, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, तो यहां पर मैंने क्या पूछा, क्या व्हाट, तो ये इस व्हाट का अर्थ क्या होता है, क्या, व्हाट इज योर नेम, तो यहां पर मैंने प्रयोग किया व्हाट का, व्हाट मीन्स क्या हुआ, क्या, तो आपका नाम क्या है। अब नेक्स्ट वर्ड्स है वेयर, वेयर मीन्स होता है कहां, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर Do you live? तुम कहां रहते या आप कहां रहते, तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, वेयर, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं या तुम कहां जा रहे हैं, तो यहां पर भी वेयर का प्रयोग होता है, क्योंकि कहां जब शब्द रहेगा तो वहां पर सीधा है वेयर का प्रयोग करेंगे, कौन रहेगा तो हु का प्रयोग करेंगे, व्हाट रहेगा मींस क्या। अब तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, तो इस तरह से शब्दों को ये क्वेश्चन वर्ड्स का इस तरह से बनाते हैं और इस तरह से प्रश्न का निर्माण करते हैं। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।